अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। देख लिया तेरे 15 साल के प्यार ने क्या किया, तेरे 15 साल के इंतजार ने क्या किया। अरे जिसकी फोटो तू सीने से लगाकर घूमती रहती ना, वो तुझे अपने पाँव की जूती के बराबर भी नहीं समझता। अगर उसने हमारी गरीबी पर उंगली उठाई होती ना तो हम उसे माफ कर देते। अगर उसने हमारी हालत पर उंगली उठाई होती ना तो हम समझ लेते। लेकिन तू जानती उसने किस चीज पर उंगली उठाई है? तेरे चरित्र पर, किरण सिन्हा की बेटी के चरित्र पर। हम तो उसे कभी माफ नहीं करेंगे और तुझे भी नहीं करने देंगे। क्या कुछ नहीं कहा उसने, इतनी गंदी गंदी बातें की कि तेरे पापा वो सब झेल नहीं पाए। ये जो हाल है ना आज तेरे पापा का, सिर्फ और सिर्फ अगस्त की वजह से, सिर्फ अगस्त की वजह से। यवंतिका की वजह से ना डैड माँ को बहुत ठेस पहुंची है। अगस्त की सच्चाई सबके सामने बाहर आ गई, अभी माफ नहीं करूंगा मैं उसे। माँ प्लीज दरवाजा खोलिए, माँ प्लीज दरवाजा खोलिए। माँ मैं जानता हूँ माँ, मैंने जो कुछ भी किया उसे करने का तरीका सही नहीं था, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था माँ। मुझे अवंतिका की सच्चाई सबके सामने लानी थी, प्लीज समझिए माँ, दरवाजा खोलिए ना माँ। माँ मैं जानता हूँ आपको बहुत ठेस पहुंची है, लेकिन अब खुद सोचिए अगर शादी के बाद ये सब कुछ पता चलता तो क्या होता, कितना दुख होता आपको, हम सबको कितना दुख होता। इन पराए लोगों से क्यों कुछ उम्मीद करना, हम आपके अपने आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। आपको खुश रखने के लिए माँ, आपको आपका ख्याल रखने के लिए, आपका पूरा परिवार यहीं पे है माँ, आपका बेटा यहीं है। प्लीज दरवाजा खोलिए माँ, मुझसे कोई गलती हो गई है तो सॉरी माँ, प्लीज आप दरवाजा तो खोलिए। मैम आप प्लीज यहीं रुके, लेकिन हमारे पापा, प्लीज आप यहीं वेट करिए मैम, प्लीज। आज सबके सामने कसम खाते हैं कि जिस दिन जिस मुहूर्त पर अगस्त्य के साथ अवंतिका की शादी होने वाली थी, उसी दिन उसी मुहूर्त पर हम अपनी अवंतिका की शादी एक ऐसे घराने में करेंगे जो औदे में, रुतबे में तुझसे 10 गुना ऊपर होगा। 2-4 नहीं, अन्नपूर्णा कंपनी से 10 गुना अमीर लड़का चाहिए हमें हमारी बेटी के लिए। देखिए बहन, देखिए नहीं, आप बात सुनिए, आप रिश्ता लाइए और 10% ले जाइए। चलिए जल्दी से कुंडलियां दिखानी शुरू कीजिए। बहन जी, ये शादी विवाह का मामला है, कोई गुड्डा गुड़िये का खेल नहीं। शादी विवाह हमेशा बराबरी वाले घरों में किया जाता है, ऐसा रिश्ता ढूंढना हमारे पहुंच के तो बाहर है। अरे ऐसा कोई काम नहीं है जो किरण की पहुंच के बाहर है। आप बस सब लोगों को कहिए कि किरण की बेटी की शादी है, देखना यहाँ पर मेला लग जाएगा। हाँ क्षमा कीजिएगा बहन जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे इतना बड़ा घराना, आपकी बेटी से विवाह क्यों करे? बेटी ब्यूटी पार्लर में काम करे, बाप शराबी, भाई जुवारी, ऐसी जगह पर रिश्ता करवाना, हम पाप का भागी नहीं लेंगे अपने ऊपर। चलिए। अरे पाप तो आप कर रहे हो जो यहाँ से जा रहे हो, देखना घोर पाप कर रहे हो आप, अब पछताओगे
माँ दरवाजा खोली। किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी हमें मांगनी चाहिए आपसे। नहीं माँ, ये क्या कह रही हैं आप? आज ऐसा लग रहा है कि हमारी सोच, हमारा विश्वास हार गया। आज तक हमने जो कुछ भी किया अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर किया, और वो हमेशा सही थी, लेकिन आज पता नहीं कैसे गलत हो गई। हम खुद को समेटना चाहते हैं, अपनी अंतरात्मा से फिर से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इस घर में रह के ये नहीं होगा। मतलब क्या 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 कहना चाहती हैं माँ? हम कुछ दिनों के लिए आश्रम जाना चाहते हैं। हम कुछ दिनों के लिए आश्रम जाना चाहते हैं। नहीं माँ, क्यों माँ? डैड क्या आश्रम क्यों? नहीं, ना आपका मन कभी हार सकता है ना ही आपकी हिम्मत। फिर भी अंतर चेतना की खोज में अगर आप आश्रम जाना चाहती तो हम रोकेंगे नहीं आपको। हाँ लेकिन आपको हाँ सुनिए तो, क्यों आश्रम क्यों जाना है माँ? माँ तू जानती है उसने किस चीज पर उंगली उठाई है? तेरे चरित्र पर। ये जो हाल है ना आज तेरे पापा का, सिर्फ और सिर्फ अगस्त्य की वजह से, सिर्फ अगस्त्य की वजह से। नहीं अगस्त्य, हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। आज जो हमारे पापा की हालत हुई है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। बैग चेक कर लो अपना, वैसे तो ये लोग कुछ छोड़ते नहीं है, बट एक बार फिर भी चेक कर लो। कुछ छोड़ा है? सब कुछ चेक कर लिया। कितनी आसानी से तुमने हमें चोर कह दिया। क्यों नहीं पहचान पाए कि तुम कितने बदल गए हो, कितने अभिमानी हो गए हो? मांगते तो तुम जैसे लोग हैं, मेरे लेवल को लोग सिर्फ देते हैं, कभी खैरात या कभी भीख। कैसे बार बार हमारे गरीब होने का मजाक उड़ा रहे थे तुम। जो इंसान किसी के स्वाभिमान का मजाक उड़ा सकता है ना, वो किसी के भी चरित्र पर सवाल उठा सकता है। तुमने मेरी माँ को बहुत दुख पहुंचाया अवंतिका, तुम्हारी वजह से मेरा परिवार टूट गया, मेरी माँ टूट गई। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, नफरत करता हूँ मैं तुमसे, नफरत करता हूँ। तुमने हमारा विश्वास नहीं तोड़ा है अगस्त, तुमने हमें तोड़ दिया है, और उससे भी बुरा किया है कि हमारे परिवार को तोड़ दिया है, हमारे पापा को तोड़ दिया है। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? ये हमारी बेटी की कुंडली कैसे नहीं मिलती? अरे किरण चाहे तो कुछ भी हमें ना कहेंगी तो आप पछताएंगी। आपकी हर मुसीबत का हल है हमारे पास। मतलब? माँ आपको अन्नपूर्णा कंपनी से 10 गुना अमीर घराने में अवंतिका का रिश्ता करना है ना, और वैसे भी उनकी कुल संपत्ति कोई 250 करोड़ की है, लेकिन मेरे पास उससे ज्यादा की आसानी, पूरे 2500 करोड़। कौन? हम। बाप की बेटी अवंतिका के लिए रिश्ता लेकर आए। अब आप बताइए बारात लेकर कब आए? जिसके घर पर पुलिस वारंट लेकर आती है वो किरण सिन्हा के घर उसकी बेटी की बारात लेकर तो नहीं आई। बैठ।
देखिए, हमने इनकी पूरी तरह से जांच कर ली है। शराब पीने की वजह से इनका लीवर खराब हो गया। ट्रांसप्लांट करना होगा वरना ये बच नहीं पाएंगे। आप हमारा लीवर ले लीजिए, लेकिन प्लीज हमारे पापा को बचा लीजिए। बेटा, ये इतना आसान काम नहीं है। ऑपरेशन करने के बाद ही पता चलेगा। और फिर हमें ये भी नहीं पता कि आपका लीवर आपके पिताजी के लीवर से मैच होगा भी या नहीं। अगर मैच कर गया तो भी कम से कम ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और अगर नहीं किया तो कम से कम 25 से 30 लाख। बहुत दिन से तूने आईना नहीं देखा होगा ना। हम दिखाते हैं, देखो क्या दिखा। हमारा दामाद एक गुंडा, एक अधेड़ उम्र का आदमी। किरण को ये गुंडाई दिखाने की जरूरत नहीं है। अब अपना मुंह उठा और निकल जा यहां से, निकल हमारे घर से। किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी हमें मांगनी चाहिए आपसे। हम खुद को समेटना चाहते हैं, अपने अंदर आत्मा से फिर से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन इस घर में रह के ये नहीं होगा। सर, अवंतिका जी आइए। इतना तमाशा होने के बाद ये क्या करने आई है आप? तुम क्या करने आई हो अब यहाँ? अरे, हमें तो आना ही था, हमारे बीच सौदा जो हुआ था भूल गए? एक हाथ सच्चाई ले, दूसरे हाथ 25 लाख दे। अब हमारी सच्चाई तो सबको पता चल गई, हमारे 25 लाख। चुपचाप ना, यहाँ से निकल जाओ अभी। क्या भी अगस्त्य, पैसे लाओ। और डैड, मैंने कहा ना, दो इसे पैसे। इस लड़की को जितना घटिया हम लोगों ने समझा था ना, ये तो उससे भी ज्यादा घटिया निकली। पहली बार मैंने अपनी पत्नी को हारे हुए देखा। ऐसी देवी का विश्वास तोड़ने की सजा तो पता नहीं क्या होनी चाहिए। निकल जाओ इस घर से और कभी इस घर के आसपास मत आना। एक झूठ के बदले 25 लाख, सौदा बुरा नहीं। वाह, क्या चाल चली है मक्खन सिंह। हम जानते हैं आपके पति अस्पताल में, उनके इलाज के लिए 25 लाख रुपए चाहिए। सही इंसान से रिश्तेदारी और सही घर में रिश्तेदारी इसी को कहते हैं कि जरूरत पड़ी नहीं उससे पहले पूरी हो जाए। जैसे ही हमें पता चला हम तुरंत लेकर आ गए। ये देखिए, पूरे 25 लाख। तुझे क्या पता किरण सिन्हा कि ये 25 लाख अगस्त श्रीवास्तव के हैं? और जरूरत ही क्यों, हम तो आपके शौक भी पूरा करना चाहते हैं।
आपके शौक 1 करोड़ 2 करोड़ में सब पूरे हो जाएंगे ना। लेकिन एक बात कहें, आपकी एक बात हमें बहुत बुरी लगी। आपने हमें गुंडा कहा। हम आपकी सहायता करना चाहते हैं तो हम गुंडे, और वो अगस्त से उसने आपका अपमान किया, वो शरीफ। जो आदमी आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता है, पूरे मान सम्मान के साथ उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, वो गुंडा। और वो जिसने आपकी बेटी को दुत्कारा है, उसे छोड़ दिया है, वो शरीफ। अब आप ही सोचकर बताइएगा कि कौन गुंडा है और कौन साधु। अभी तुम यहां से जाओ, अवंतिका के सामने कुछ बात मत करना। एक बार अगर रिश्तेदारी हो जाए तो फिर परिवार वालों को तो ध्यान रखना पड़ता है ना। अब आगे मर्जी आपकी, आखिर आपका परिवार है। जो हमारे पापा की जिंदगी बचाएगा उसके लिए हम अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। मतलब हम शादी के लिए तैयार हैं। हमारे कोई शौक नहीं है, हमें कोई करोड़ों नहीं चाहिए। हमारी सिर्फ एक जरूरत है, हमारे पापा और उनकी जिंदगी। और हमें उन्हें बचाने के लिए 24,97,105 रुपए चाहिए, ना उससे 1 रुपया ज्यादा और ना 1 रुपया कम। वो तुम ला दो। हम खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे, जहां तुम कहोगे, जब तुम कहोगे। सिंदूर लेके शादी करने के लिए। बचपन से लेके आज तक हमें सिर्फ 2 लोगों पर विश्वास था, एक आप पर और दूसरा अगस्त्य पर। हमें लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए,
दो चीजें हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी, आपकी भक्ति और अगस्त्य की दोस्ती। लगता था कि चाहे सब हमें छोड़ दे, दो लोग हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हमारे कन्नू जी और अगस्त्य। लेकिन लेकिन आज तो आप दोनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। कितने गलत थे हम, कितना गलत था हमारा विश्वास। आज हम आपको इस कपड़े से ढक देंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप हमारी जिंदगी में कहीं भी मौजूद हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि नहीं, हमारे कन्नू जी ने हमें पूरी तरह से नहीं छोड़ा है, उस दिन ये कपड़ा हटा देंगे।